हाय गाइस, आज की वीडियो बताने वाला हूँ कि आप एक टीपिन कैसे जनरेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके मन में ख्याल तो आया होगा कि ये टीपिन होता क्या है। तो ये टीपिन ये 4 से 5, 6 नंबर का एक डिजिट होता है, जो कि आप अगर आप शेयर बेचते हो तो आपको टीपिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप शेयर खरीदते हो ना ग्रो ऐप में, मतलब किसी भी ऐप में डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदते हो, तो आपको टीपिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप शेयर बेचना चाहते हो अपने ऐप से, तो आपको टीपिन की जरूरत पड़ेगी, वरना आप शेयर नहीं बेच सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि टीपिन कैसे जनरेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। एक स्टेप में, 2 से 3 स्टेप में आप जो है टीपिन जनरेट कर सकते हो। तो उससे पहले टीपिन जनरेट करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आप CDSL एंड टीपिन जनरेट ऐसे करके यहाँ पर टाइप करना है। CDSL टीपिन जनरेट ये करोगे टाइप, तो फर्स्ट में वेबसाइट आ जाएगी, जनरेट टीपिन CDSL। तो फर्स्ट वाली वेबसाइट भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दे, तो उसको वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3 डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी, BO डिटेल, एंटर OTP एंड तीसरे स्टेप में आपको आपका टीपिन जनरेट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन फर्स्ट बात आती है कि BO डिटेल होती क्या है, BO डिटेल BO ID कहाँ से मिलेगी। तो BO ID जो है आपके ऐप में ही मिलेगी। अगर आपने किसी भी ऐप में अकाउंट खोल रखा है, जैसे AngelOne हो गया, ऐप स्टॉक हो गया, या ग्रो ऐप में अकाउंट खोल रखा है, तो मेरा अकाउंट ग्रो ऐप में है। तो मैं बताऊँगा कि BO ID कैसे लेनी है अपने ऐप से जाके, तो बताने वाला हूँ। तो लेकिन उससे पहले अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो ग्रो ऐप में, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वहाँ से क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हो बिल्कुल फ्री में, एंड ग्रो ऐप में अकाउंट खोल सकते हो। मैंने अपना अकाउंट ग्रो ऐप में खोल रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे व्यू आईडी कैसे मिलती है। सभी ऐप में ऐसे ही मिलने वाली है, तो यही स्टेप आप फॉलो कर लेना। ग्रो ऐप में चले जाना है, एंड यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे चले जाना है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, एंड आपके हर ऐप में डीमैट ऐप में आपको अकाउंट का डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे चले जाना है, एंड BO ID मिल जाएगी। BO ID लेने के बाद वहाँ से कॉपी कर लेना BO ID अपनी, एंड इस वाले पेज पर दोबारा से आ जाना है। BO ID लेने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है अपनी BO ID, एंड यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे आप BO ID एंटर करोगे एंड पैन कार्ड एंटर करोगे, यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो जो भी आपके डीमैट अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है या जीमेल आईडी लिंक है, उस पर आपको OTP भेज दिया जाएगा। तो OTP मेरे पास आ चुके हैं, आप देख सकते हो, एंड प्राइवेसी डिटेल की वजह से मैंने सब हाइड कर रखा है। तो OTP एंटर करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो आपके जीमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर टीपिन भेज दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। जो भी आपके डीमैट अकाउंट से मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी लिंक है, उसी पर आपका टीपिन जनरेट करके भेज दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो, एंड उसका अपने शेयर्स को बेच सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा चैनल पे डालते रहता हूँ, एंड कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो या भाई कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। एंड ये वाली वीडियो देखकर आप जान सकते हो कि भाई AI आपके लिए खतरा बन सकता है या फिर फायदा है।